तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं चैनल की स्पॉन्सर परीक्षा ऐप के बारे में। परीक्षा पर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही। अगर आप अपने इस चैनल कोड IndianV40 यूज़ करते हो तो आपको सीधा 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। सो हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? देखो आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के, जो आपके नेवी डबल ए SSR MR साथ ही एयरफोर्स के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, 25 में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा जो इंपॉर्टेंट नहीं। 25 में से 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे छठे हुए क्वेश्चन रखे हैं, कहीं से भी ऐसे उठा के कुछ भी नहीं रख दिया गया है। पहला एक क्वेश्चन आप देख के समझ सकते हो कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और कुछ नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, टाइम लगेगा, सॉल्यूशन के साथ हर एक क्वेश्चन क्लियर करूंगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संबंधित शब्द चुनिए। तीन शब्द हैं, देखिए पहला है पेंच, पेंचकस। पेंच को कसने के लिए पेंचकस की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके अगला ऑप्शन है कील, तो कील को कसने के लिए क्या चाहिए? कील कस नहीं होता गाइस, आपको पता होना चाहिए। कील ठोकी जाती है, तो कील कैसे ठोकी जाती है? हथौड़े से। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बहुत से लोग पेच पेचकस देख के कील कीलकस सही कर देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कील को ठोकने के लिए हथौड़ा की जरूरत पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर टू है आपका, दी गई श्रृंखला को कौन सी संख्या पूरा करेगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टार्टिंग के दो तीन क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो दी गई श्रृंखला को कौन सी संख्या पूरा करेगी? 5, 11, 23, 47। तो नेक्स्ट संख्या आपको बतानी है। तो देखो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ इसमें करा क्या गया है। देखो पाँच लिखा है, तो पाँच में दो का गुणा किया गया है, ठीक है, प्लस वन किया गया। तो पाँच का दो में गुणा करो, 5 × 2 = 10, प्लस वन कितना मिल गया? 11 मिल गया। 11 में दो का गुणा करो, 22 प्लस वन 23। 23 में दो का गुणा करो, 46 प्लस वन 47 हो गया। अब सेम चीज़ आपको इसमें करनी है, 47 में दो का गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा? 45 × 2 = 90 और 2 × 4 = 94, और प्लस वन कर दो, 95। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अच्छा लगा क्वेश्चन, मज़ा आया, सब्सक्राइब कर दो चैनल जल्दी से। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, दी गई श्रृंखला को कौन सी संख्या पूरी करेगी। बढ़िया क्वेश्चन है, 3, 8, 15 और 24। तो नेक्स्ट संख्या आपको बतानी है कि कौन सी होगी। तो इसमें देखो क्या किया गया है, इसमें किया गया है जो आपका पहला नंबर लिखा है, 3 लिखा है, तो ये पता है क्या? ये है 2 का स्क्वायर - 1 है। सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 - 1 = 3। नेक्स्ट देखिएगा, 8 जो दिया है वो 3 का स्क्वायर - 1 है, 3 × 9 - 1 = 8। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 4 का स्क्वायर - 1, 16 - 1 = 15। नेक्स्ट है आपका 5 का स्क्वायर - 1, कितना होगा? 25 - 1 = 24। तो अब अगला कौन सा आता है? 6 का स्क्वायर - 1, 6×36 - 1 कितना आ गया? 35। इसलिए ऑप्शन नंबर बी का सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर है अशुद्ध वर्तनी पहचानना है। आइडिया आपका सही लिखा, आइडियल आपका सही लिखा, ईडियम आपका सही लिखा, एडलेम आपका गलत लिखा है, तो यही होगी आपकी अशुद्ध वर्तनी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, एक महिला। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको शांति से पढ़ना चाहिए, एकदम थोड़ी देर, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, थोड़ा सा पढ़ना है आप समझ जाओगे। ध्यान से, एक महिला की ओर, ठीक है, ये महिला है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए राजेश ने कहा, ये राजेश खड़े हैं इधर को कह रहे हैं, ठीक है, कि वह जो ये महिला है वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है और ये इनका पुत्र है, ठीक है, इकलौती पुत्री है। तो वह महिला राजेश से किस प्रकार संबंधित है? मेरे पिता की पुत्री है। देखो पिता की पुत्री मतलब इसकी, इनकी बहन, किसकी? राजेश, राजेश के पिता की बहन, मतलब राजेश की कौन हुई? बुआ हुई, ठीक है, समझ गए? समझा नहीं पाए, मैं फिर से समझा देता हूँ। एक महिला की ओर, ये कोई महिला है, उसकी ओर संकेत करते हुए राजेश ने कहा कि राजेश है, देखो ये राजेश के पिता हैं और ये राजेश के पिता मतलब राजेश के ये दादाजी हैं, ठीक है, और ये कौन है? पिता हैं। अब राजेश कहता है कि वह मेरे पिता के पिता की पुत्री, मतलब इनकी क्या हुई? बहन हुई। तो राजेश का संबंध आपको बताना है, तो पापा की बहन क्या होती है? बुआ होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बुआ, ऑप्शन नंबर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाँ ये देखो सही क्वेश्चन है, 50 ग्राम व 1.2 ग्राम, गलत है यहाँ पे,
ग्राम हटा दो, 50 ग्राम व 1.2 किलोग्राम में क्या अनुपात होगा? समझ गए, ये ग्राम गलत लिखा, किलोग्राम में क्या अनुपात होगा? अब गलती ये हो जाती है, लोग जल्दी से ऐसे करते हैं, ये अब इसको सॉल्व कर देंगे, ऐसे हटाएंगे ये, अब इसको सॉल्व करके देखेंगे ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, अगर ऑप्शन मिल गया तो सही कर देते हैं। अब देखो ये ग्राम में लिखा है, ये किलोग्राम में लिखा है, ये ग्राम काट के किलोग्राम में है, तो अब आपको दोनों के एक राशि में बदलना होगा, या तो दोनों किलोग्राम में कर दो या दोनों ग्राम में कर दो। चलो हम दोनों ग्राम में कर देते हैं, 50/1.2 किलोग्राम मतलब 1200 ग्राम, ठीक है, 1 0 से ये गया, और इसको आप कट करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 का 24 बार 120, तो 1/24 मतलब 1:24, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। समझ गए, ठीक है। देख देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाथी का जो संबंध खाली स्थान से है वही मगरमच्छ का संबंध सरीसृप से। देखो मगरमच्छ का संबंध सरीसृप से दिखाया जा रहा है, तो हाथी का जो संबंध है वो है आपका स्तनधारी से, ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABC का कोड 321 है, तब उसी सांकेतिक भाषा में BDC का कोड क्या होगा? इससे एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा, लिख के रख लो, सांकेतिक भाषा से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और ये क्या होता है, किस लिए होता है, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सारा मैं आपको एक वीडियो में दूंगा, भले वो 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाए, उसमें क्लियर बताऊंगा कोडिंग डीकोडिंग, आप जाके सिलेबस पे देख लो, कोडिंग डीकोडिंग एक चैप्टर का नाम होगा आपके सिलेबस में, नेवी SSR MR में, तो क्या होता है कोडिंग डीकोडिंग, मैं आपको क्लियर समझाऊंगा और कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं दूंगा, ठीक है। तो देखो मैं सीधा इसको समझाता हूँ, ABC 1 2 3, ABC को क्या लिखा गया है, 3 2 1 लिखा गया, मतलब जस्ट इसका अपोजिट लिखा गया है, तो अब BDC तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 342, तो ये ईजी था, 342 इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा भारत का पहला वॉइस रॉय था? लॉर्ड कार्नवालिस पिट है सेकंड नंबर पे, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो देखो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वॉइस रॉय था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 24 दिसंबर 2018 को कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 100 रुपए का सिक्का जारी किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हाल ही में भारत दिवस का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो देखो दिल्ली इसका सही जवाब है, दिल्ली मतलब दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, भारत दिवस का उद्घाटन हाल ही में किया गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए, जैसे देखो पहला दिया है कार स्टीयरिंग व्हील, दूसरा दिया मोटरसाइकिल, अब आपको बताना है, देखो देखो टायर मोटरसाइकिल में होते हैं, कार में भी होते हैं, हेडलाइट मोटरसाइकिल में भी होती है, कार में भी होती है, इंजन कार में भी होता है, मोटरसाइकिल में भी होती है, हैंडल बार, देखो इस तरीके से आप समझ सकते हो, कार को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, स्टीयरिंग व्हील होती है, उसी तरीके से मोटरसाइकिल को कंट्रोल करने के लिए हैंडल बार की ज़रूरत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यदि फॉरेन को किसी कोड में, देखना समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है लेकिन टाइम लग जाता है इसे क्वेश्चन में, और आपको पता है एग्जाम में टाइम काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है टाइम, तो आपको पहले से इतने रटने होंगे क्वेश्चंस कि वहाँ देखते ही आपको पता चल जाए, फॉरेन को किसी कोड में ULIVRTM लिखा जाता है, ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, 1 से 2 भी पूछा जाता है, तो SAP को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, SAP को, अब देखना मैं, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फॉरेन लिखा है, F लिखा है, ठीक है, F, अब F को हम स्टार्टिंग से गिनेंगे कितने नंबर पे आता है, ABCDEF कितने नंबर पे आता है, 6, अब देखो इसके जस्ट सामने यहाँ पे लिखा U, अब U को देखना उल्टा किया गया है, तो ZYXWVU मतलब 6 वापस किया गया है, अब O अगर स्टार्टिंग से गिनोगे तो ABCDEFGHIJKLMNO 15 नंबर पे आता है वो, तो पीछे से 15 वापस जाने पर L आता है, सेम आगे से जाने पर R जितने में आता है पीछे से उतना, सेम किया गया, तो आप समझ गए क्या किया गया, SAP, तो आपको गिनना है कि स्टार्टिंग से A से लेकर S तक मतलब कितने नंबर पे आएगा, उतना ही आपको बैक जाना, जैसे हाँ S आपका A से गिनो तो वो आएगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 19 नंबर पे आएगा, तो अब आपको वापस 19 नंबर जाना है, वापस 19 जाना है, तो वापस जब आप जेड से वापस 19 जाओगे तब आप पहुंचोगे H पर, तो H पहुंच गए, अब यहाँ पे देखो एक ट्रिक है सिंपल सी, कि अगर आपको H मिल गया पहला
तो आप देख सकते हो तीनों में कोई कहीं कोई एच नहीं है, तो आप आसानी जल्दी से इसको सही कर दोगे। बाकी आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, पहला देखो और सही कर दो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, दी गई श्रृंखला को कौन सा अक्षर पूरा करेगा? UTROK ये दिया हुआ है, और कौन सा पूरा करेगा? देखो, यू में यू से एक माइनस करो, आप कितना आएगा? यू से एक माइनस करो, कितना आएगा? टी, ठीक है। टी से दो वापस चलो, आर आएगा। आर से तीन वापस चलो, ओ आएगा। ओ से चार वापस चलो, के आएगा। के से अब आपको पांच वापस जाना है। के से जब आप पांच वापस जाओगे तो एफ आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। समझ गए, यू से एक वापस जाना, टी से दो, आर से तीन, ओ से चार और के से पांच, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, दी गई श्रृंखला को कौन सी संख्या पूरा करेगी? -7.25, -5.75, ऐसे आगे लिखा है, तो इसमें किया क्या गया वो समझो। इसमें इसका जो आंसर मैं देख लेता हूँ, इसका आंसर सही माइनस का 1.5, जो कि गलत आंसर मैंने शायद लिख दिया है। देखो इसमें किया क्या गया है, कम हो रहा है मतलब जोड़ा जाएगा, और इसमें जोड़ा कितना गया है, 1.25 आई थिंक, सॉरी 1.5, आधा आधा इसमें जोड़ा गया है। देखो 7.25 लिखा है, इसमें आप आधा जोड़ो तो बचेगा 5.75, और सेम उसमें आधा जोड़ो आप, कितना बचेगा? 4.25। देखो ये माइनस में लिखा है ना, माइनस का 7.25, जब आप इसमें जोड़ोगे प्लस का तो घटेगा। ये माइनस का दिया है प्लस का आप जोड़ो घटेगा, ये माइनस का दिया प्लस का आप जोड़ो घटेगा, ये माइनस का दिया प्लस का जोड़ो घटेगा। अब माइनस का 2.75 में 1.50 घटाना है तो बचेगा कितना? 1.25, वो भी माइनस का। हाँ तो आंसर इसका ये सही है, सही आंसर दिया मैंने, माइनस का 1.5। समझ गया आपको करना क्या है, 0.15 आपको, 1.5 या 1.50 आपको उसमें जोड़ना है। ये माइनस का है, जब ये प्लस का जोड़ोगे तो ये कम हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ोगे ये कम, इसमें जोड़ोगे ये कम, इसमें इतना जोड़िए आ जाएगा माइनस का 1.5, तो ऑप्शन माइनस का 1.25, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सही वर्तनी पहचाने, सही वर्तनी कमेटी की स्पेलिंग आपको सही से ही देखनी है, इसमें से कौन सी है, और लगभग सभी को पता होगा कमेटी की स्पेलिंग सही कौन सी है, जल्दी से बताओ। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है, COMMITTE कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, एक लड़का है उसकी ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा कि यह लड़का मेरे पिता का एकमात्र पुत्री, मेरे पिता के पुत्री मतलब इसकी कौन हुई, बहन का पुत्र है, तो इसका रिश्ता क्या हुआ, बहन का पुत्र इसका रिश्ता क्या हुआ, भांजा, सिंपल, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, 24 मिनट व एवं 1 घंटा को अनुपात में बदलना है, 24 मिनट है और ये 1 घंटा लिखा, इसको भी आप मिनट में बदल लो, इसको सॉल्व करना तो आ जाएगा 2.5, मतलब 2:5, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका 19 नंबर है, पालक का जो संबंध हर से, हरा होगा यहाँ पे, पालक का जो संबंध हरा से है, देखो कलर की बात हो रही, तो आपको वही संबंध आपको बैगन का बताना है, बैगन आपकी सब्जी है या क्या उससे मैटर नहीं है, यहाँ पे कलर का संबंध दिखाया जाए, पालक हरा होता है तो बैगन आपका बैगनी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब आप ये मत बोलना देखो कि बैगन तो हरे भी होते हैं, बट हरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताओ, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये याद रखिएगा, अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है या फिर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है, भूटान देश की राजधानी और मुद्रा बताना है आपको, तो भूटान देश की जो राजधानी है वो थिम्पू है, और जो वहाँ की मुद्रा है वो है डुलतुरुम, तो आपको ऑप्शन दिख ही गया होगा, ऑप्शन नंबर वन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है, नाबार्ड का पूर्ण रूप मतलब नाबार्ड का आपको फुल फॉर्म बताना है, चार ऑप्शन है और इसमें से मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल नहीं रूरल जिसका मतलब होता है ग्रामीण डेवलपमेंट विकास, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, गीत गोविंद के लेखक आपको बताना है, गीत गोविंद के लेखक कौन है,
तो चार ऑप्शन है, जयदेव, कल्याण कालिदास, राजा राव। तो इसका सही जवाब है गीत गोविंद के लेखक है वो है आपके जयदेव। ठीक है 25, देखो 25 नंबर है, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर है, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। चार ऑप्शन है, गंगा, महानदी, चंबल और नर्मदा। तो इसका सही जवाब है घड़ियाल प्रोजेक्ट आपके चंबल में है। तो कैसे लगे आपको ये 25 क्वेश्चन, मुझे तो बहुत कमाल के लगे, मैंने काफ़ी टाइम लेके आपके लिए सेट किए 25 क्वेश्चन और अच्छे से आपको समझाया हर एक क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है तो उसका मैं अलग एक वीडियो बना के दूंगा पूरा, उससे रिलेटेड जो कोडिंग डिकोडिंग आखिर होती क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता है तो वो बताऊंगा क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे उस वीडियो में होंगे। तो वीडियो 1-2 दिन या 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम 5 दिन के अंदर है वो आ ही जाएगी। और बाकी ये टॉप 25 की सीरीज है जो कि आपकी चलती ही रहेगी, आपको मैं ऐसे 25-25 क्वेश्चन आपको मैं लाकर देता रहूँगा। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।